सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट सीजन आ रहे हैं ना, अगर आप कॉन्करर रैंक पुश करते हो तो किस में करना चाहिए, सोलो स्क्वाड या डुओ, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अब पहले बात करते हैं स्क्वाड के बारे में। अगर स्क्वाड में रैंक पुश करना चाहते हो तो मतलब ठीक ठाक खेलने वाले बंदे होने चाहिए आपके पास। और स्क्वाड में सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगता है भाई, अगर चार दोस्त अगर खेलते हो ना साथ में तो वहाँ पर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसमें मेरे को खराब ये लगता है भाई, उसका रैंकिंग जो पॉइंट है ना बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर स्क्वाड में रैंक पुश करना चाहते हो ना भाई, कंटिन्यू आपको खेलना पड़ेगा। और स्क्वाड में एक प्रॉब्लम और है भाई, तीन दोस्त में से अगर किसी दोस्त का काम आ गया ना तो वो टाइम पे अगर नहीं आता तो फिर रैंक उसमें डिले हो जाता है। अब बात करते हैं डुओ के बारे में। भाई स्क्वाड से तो भाई डुओ इजी है, अगर आप डुओ में रैंक पुश कर रहे हो और आपका जो टीममेट है ना उसको इतना खेलना नहीं आता तो इसमें चल जाएगा, लेकिन स्क्वाड में ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप डुओ में रैंक पुश कर रहे हो और किसी कारण से आपका टीममेट नहीं आ पाता तो आप 1v2 इजी कर सकते हो, लेकिन स्क्वाड में तो ऐसा होगा नहीं। 1v4 करना मतलब कॉन्करर में भी बहुत मुश्किल होता है। अब रह गया सोलो का। देखो सीन ऐसा है, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं, आपको इतना अच्छा खेलना नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव करके आप कॉन्करर ले सकते हो। और हाँ, सोलो में बोरिंग तो लगता है लेकिन यहाँ पर किसी टीममेट की जरूरत ही नहीं पड़ता, जब आपके मन करे तब आके आप खेल सकते हो। अगर आपके पास टीममेट नहीं है तो सोलो बेस्ट रहेगा भाई कॉन्करर के लिए। और ये वाला सीजन खत्म होने में सिर्फ एक ही दिन बच रहा है, जैसे ही नया सीजन आ जाएगा तो मैं सोलो में रैंक पुश भी कर दूंगा, #1 भी जरूर से करूंगा। अब बात करते हैं आज की गेम प्ले के बारे में। यहाँ पर ये वाला बंदे को ऊपर मैं थार पार्टी करता हूँ, इसको मारने के बाद 10 किल हो गए थे, उसके बाद हेल्थ लगा ही रहा था, तभी यहाँ पर सामने साइड से एक बंदा गाड़ी लेके आता है। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद 11 किल हो गए थे, उसके बाद बग्गी लेक में और बंदा ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी यहाँ पर पीछे के साइड से एक बंदा M24 चलाता है। अब पीछे के साइड से जो बंदा M24 चलाया था ना, उसको मारने के लिए मैं बग्गी लेके जाता हूँ। अब ये वाला बंदा को मारने के बाद 12 किल हो गया था, लेकिन यहाँ पर अब जो मेरे साथ होने वाला ना बहुत गंदा सीन यहाँ पर होता है। अब मेरे लेफ्ट साइड घर के अंदर जो बंदा होता है ना, उसको मारने के लिए मैं जा रहा था, तभी वो वाला बंदा मेरे यहाँ पर बग्गी का टायर भी पंचर कर देता था। यहाँ पर राइट साइड से और एक बंदे का रोटेशन भी आता है। अब यहाँ पर मेरे बग्गी का दोनों टायर पंचर कर देता है, यहाँ पर सामने साइड एक बंदा होता है जिसके साथ मैं फाइट लेने के लिए जाता हूँ। अब स्टार्टिंग में ये वाला बंदा मेरे को डैमेज दे दिया था, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के हेल्थ कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को साउंड आता है कि ये वाला बंदा ना MG3 रिलोड कर रहा है, इसलिए मैं रश करने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को लगा कि इसका MG3 अब सच में रिलोड पे गया। अब यहाँ पर ये वाला बंदे के ऊपर एक भी गोली कनेक्ट होता नहीं, ये वाला बंदा घूम के यहाँ पर मेरी पेटी बना देता है। और आज का जो सेकंड वाला गेम प्ले ना, इसको एंड तक देखना, इसमें लास्ट में जाकर जो बंदों को मैं मतलब DBS से भरने वाला ना भाई, वो देख के आपको मजा जरूर से आएगा। अब ये वाला बंदे का साउंड मेरे को आ गया था, ये वाला बंदा मेरा पीछा कर रहा था, यहाँ पर मैं बग्गी रोक के इसको इजिली उतार देता हूँ।
अब ऊपर के साइड जो बंदा होता ना उसके साथ में फाइट ले रहा था, तभी सामने साइड से ये वाला बंदा बग्गी लेके आता था, इसको जो डीवीएस से पेटी बनाने वाला है ना भाई, ये देखो अब ये वाला बंदे को लगा कि मैं इसके ऊपर नेड कर रहा हूँ, इसीलिए ये वाला बंदा रस करने के लिए आता है, इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन ऊपर के साइड जो बंदा होगा ना इससे गंदी मत उसको होने वाला है। अब ये वाला बंदा को इतना ज्यादा मैं डैमेज दे देता हूँ ना, ये वाला बंदा जैसे ही जाम करता ना इसका पेट ही जमीन पे ही पड़ा रहता है। अब ये वाला भाई साहब नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऊपर की साइड बैठे बैठे किसी और बंदे के ऊपर स्नाइपिंग कर रहा था, लेकिन मेरे पास नेट होता है, नेट से इसको मैं फोड़ देता हूँ। अब ये वाला बंदा को जैसे ही मारता हूँ तभी सामने साइड जो स्क्वाड हाउस होता है ना वहां पर और एक बंदा आ जाता है। अब जॉयस्टिक के कारण यहाँ पर डैमेज मैंने बहुत ज्यादा ले लिया था, लेकिन यहाँ पर सामने साइड घर के अंदर और एक बंदा होता जो कि ये वाला बंदे को डैमेज दे रहा था। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर सामने साइड जो स्क्वाड हाउस होता ना वहां से एक बंदा टैप टैप फायर कर रहा था, तो उससे फायर लेने के लिए जाता हूँ। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद 8 किल हो गए थे, उसके बाद मैं बग्गी लेके सीधा ये वाला बाना उसके अंदर आ जाता, और यहाँ पर ये वाला बंदे को जो पेटी बनाने वाला है ना भाई, ये वाला किल देखो। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद सामने साइड जो घर होता है ना वहां पर और एक बंदा गाड़ी लेके आता है। अभी वाला बंदे भी डैमेज मेरे को बहुत अच्छा दिया था, लेकिन इसको एक डीबीएस का हेडशॉट पड़ जाता है। अभी के लिए वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं सामने साइड आ जाता, और यहाँ पर टावर के ऊपर ये वाला बंदा कैसे चढ़ गया भाई मेरे को कुछ समझ में आता ही नहीं है। पता नहीं ये वाला बंदा टावर के ऊपर कैसे चढ़ जाता है, इसको देखने के लिए मैं जैसे ही सामने जाता हूँ तभी ये वाला बंदा स्पॉट होता है। ये वाला बंदे को मारने के बाद 11 किल हो गए थे, उसके बाद जोन मेरे से आगे साइड बनता है, इसलिए मैं घायल के जोन के अंदर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कैंपर से मेरी पेटी बन जाता है। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।